बड़ी खबर इंदौर से है, जहां सूरज आई सेंटर क्लिनिक में भीषण आग लग गई है। लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी है, शॉर्ट सर्किट के चलते ये भीषण आग लगी है। बता दें इंदौर के छोटी गवाल टोली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आई क्लिनिक में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लगी है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट सामने आ रही है। इंदौर के छोटी गवाल टोली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी थी और वहां देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरह से अफरा तफरी का जो माहौल है देखा जा सकता है, कितनी भीषण आग लगी है। ये आग आई सेंटर में लगी है, देखिए किस तरह से आग की लपटें दुकान के बाहर आती हुई नजर आ रही हैं और किस तरह से जो धुएं का गुबार है वो भी दिखाई दे रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण है। बता दें इंदौर के छोटी गवाल टोली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आई सेंटर में ये भीषण आग लगी है, देख सकते हैं आग लगने के बाद की किस तरह से अफरा तफरी का माहौल वहां देखा जा रहा है। हालांकि लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को वहाँ सूचना दी थी और इंदौर के छोटी गवाल टोली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से भीषण आग लगी है। मेरे सहयोगी हेमंत शर्मा हमारे साथ इंदौर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, ये किस समय आग लगी थी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस आग को लेकर? रविवार देर शाम का पूरा मामला है। गवाल टोली थाना क्षेत्र स्थित यशवंत प्लाजा में आई सेंटर में जो है वो आग लग गई थी। वहाँ पर जो आग लगने का कारण है वो प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। लाखों रुपए का इस आग लगने से नुकसान हुआ है। हालांकि कोई जनहानि की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आग जो लगी है उससे आसपास में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। उसके बाद में 5 से ज्यादा टैंकरों से आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल आग पर काबू पा दिया गया है, किसी प्रकार की कोई जनहानि अब तक सामने नहीं आई है। हेमंत, देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि भीषण आग लगी थी और किस तरह से जो आग की लपटें हैं वो दुकान के बाहर भी दिखाई दे रही हैं। तो कितने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया? देखिए 2 घंटों की मशक्कत के बाद में इस आग पर पूरा काबू पाया गया है, क्योंकि जो क्षेत्र है वो बस स्टैंड इलाका है। वहाँ पर फायर ब्रिगेड को पहुंचने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो काफी चहल पहल वाला क्षेत्र होता है। वहाँ पर फायर ब्रिगेड को पहुंचने में 1.5 से 1.75 घंटा वहाँ पर लगा था। इसके बाद 2 घंटे में 5 टैंकरों के पानी के टैंकर लगे, उसके बाद में आग पर काबू पाया जा सका। बिल्कुल, 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत तमाम जानकारी देने के लिए।